आदाब नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद आमिर और आप देख रहे हैं HBN न्यूज़। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। कल यानी बरोज़ इतवार हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट एमेच्योर रेजरिंग कंपटीशन का आगाज़ जियागुड़ा MCH प्लेग्राउंड पर किया गया था, जिसमें हैदराबाद के काफ़ी पहलवानों ने हिस्सा लिया था, जिसमें अली उस्ताद अखाड़ा याकूत प्रे से 3 पहलवानों ने हिस्सा लेते हुए गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। बताते हैं, अली उस्ताद अखाड़े के अब्दुल्ला बिन मोहम्मद, इलियास सुल्तान और रहमान कुरैशी ने 2 बार गोल्ड मेडल हासिल किया, जबकि गुलाम अब्दुल्ला हुसैन, इलियास अरफान ने 1 बार गोल्ड मेडल हासिल किया। इन पहलवानों ने फिर एक बार अपने एरिया याकूतपुरा का और अपने उस्ताद का नाम रोशन किया, जिसके बाद याकूतपुरा बड़ा बाज़ार एक्स रोड पर ख्वाजा कुरैशी ने इन पहलवानों की गुलपोशी की। इस प्रोग्राम की सदारत श्री राम व्यायामशाला तुलजा पहलवान ने की। इसी सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद पहलवान ने तफसीलात बताई। अस्सलाम वालेकुम। आज अंडर 17 के कुश्तियाँ जियागोड़े में रखे गए थे, जिसमें से अली उस्ताद अखाड़े से 3 बच्चे पार्टिसिपेट किए और माशाल्लाह तीनों गोल्ड मेडल लिए। अब्दुल्ला बिन मोहम्मद मेरा बेटा है और अब्दुल रहमान कुरैशी ख्वाजा भाई का बच्चा है, ये ख्वाजा भाई है बड़े बाज़ार के ख्वाजा भाई कुरैशी, और गौस मेरा दोस्त है, इनका एक बच्चा है अफ़ान, उन्हें भी पार्टिसिपेट किया। ये तीनों गोल्ड मेडल लिए माशाल्लाह। इन लोग अंडर 15 के हैं पर अंडर 17 में गोल्ड मेडल लिए। 6 महीने पहले अंडर 15 भी लड़े, ये तीनों गोल्ड मेडल लिए माशाल्लाह। अली उस्ताद का अखाड़ा हमारा एक 200 साल का अखाड़ा है बस। और इंशाल्लाह 23 तारीख के दिन डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन है। अब ये बच्चे 23 तारीख के दिन डिस्ट्रिक्ट जाएंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह नेशनल जाएंगे, और अल्लाह अगर साथ दिया तो इंशाल्लाह ताला इंटरनेशनल भी जाएंगे। कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे इसमें? अली उस्ताद के तरफ से 3 जने पार्टिसिपेट किए थे और माशाल्लाह तीनों गोल्ड मेडल लिए। ये लड़कों के कोच जो है, ये उस्ताद जो है जफर भाई है, हमारे चाचा होना उन्हों है और उनकी सरपरस्ती में कुश्तियाँ होते पार्टिसिपेट में 26 बहुत जने थे पार्टिसिपेट, हर वेट में रहता 55, 66, 71 और 81, 91 और 110। अब ये बच्चा जो अब्दुल्ला बिन मोहम्मद है, इन्हें 110 में पार्टिसिपेट किया, 97 से 110 था। ये अफ़ान जो है 71 में गोल्ड मेडल लिया, अब्दुल रहमान 92 में गोल्ड मेडल लिया। तो माशाल्लाह हर बच्चा अपने वेट में गोल्ड मेडल लिया और मुख्तलिफ़ किस्म के वेटा हैं और वो जो दूसरे बच्चे लिए हैं गोल्ड मेडल। ये पूरे तेलंगाना से शुरुआत था, तेलंगाना के लोग ही थे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे या कहीं डिस्ट्रिक्ट और? नहीं नहीं, अभी तो तेलंगाना के होते, अभी तो हैदराबाद के थे, अब इंशाल्लाह ताला डिस्ट्रिक्ट के होते, उसके बाद पूरे ऑल ओवर इंडिया होते। अभी बच्चों को कितने दिन आप ट्रेनिंग दिया हुआ है जो गोल्ड मेडल मारे? माशाल्लाह बच्चे ये बहुत कम उम्र के हैं, मेरे हिसाब से 1 साल की ट्रेनिंग में बच्चे गोल्ड मेडल 2 बार ले लिए माशाल्लाह। लोग गोल्ड मेडल लेने बहुत तड़प जाते और माशाल्लाह इन लोगों के पीछे बच्चों की मेहनत है। मेरा एक भतीजा है शेख दाऊद बाहरमोस, उन्हें मेहनत करता। मेरा भाई है मूसा जाबरी पहलवान, उन्हें भी मेहनत करता। ये दो जने बहुत लगे हुए हैं बच्चों के पीछे माशाल्लाह। इन लोगों की मेहनत के तरफ से इन लोग गोल्ड मेडल लिए। अब तक कितने मरतबा इन लोग फाइट करे हैं? ये 2 बार पार्टिसिपेट किए, फर्स्ट अंडर 15 में, सेकंड अंडर 17 में, माशाल्लाह दोनों में गोल्ड मेडल लिए। मोहम्मद भाई जो याकूतपुरे के तकरीबन बोलिए आजकल के लिए कोई मैसेज? हाँ, आजकल ये रात में जगना ये बहुत ख़राब हो गया है। इससे सुबह पहले तो जवानी पे असर पड़ता, रात में जगने से आदमी की जवानी भी ख़त्म हो जाती। पहलवानी करो मत करो, अपनी जवानी भी ख़त्म हो जाती, बुढ़ापे की तरफ जल्दी चले आते। इसलिए मेरी गुजारिश है कि बच्चों से माँ बाप को तकलीफ मत दो, रातों में सो जाओ, स्पोर्ट्स ज्वाइन करो, भले पहलवानी नहीं, कोई भी स्पोर्ट्स, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, स्विमिंग, जिम, जो भी है ज्वाइन करो, करके अपना अपना, हर एक बच्चे में एक एक हुनर रहता, ऐसा नहीं है कोई सब पहलवान बनते, कोई पहलवान बन जाता, कोई क्रिकेट का प्लेयर बन जाता,
कोई ये बन जाता तो हर एक जना ये है अपना जो जो हुनर है वो निकालना और इंशाल्लाह स्पोर्ट्स में आगे आना, क्योंकि स्पोर्ट्स में सबसे पहले अपने आप को सेहत मेंटेन रहती। अल्हम्दुलिल्लाह आप अगर जब तक बूढ़े भी रहेंगे तो आप फिट रहेंगे, ये बहुत अच्छी बात रहती इसमें। और हर बच्चा स्पोर्ट्स में जाने से उस बुरी आदत सिगरेट शराब गुटखा ये चीज़ से बचेगा। तो ये चीज़ जो अवेयरनेस लाना है रात में जगाने के, तो हर अम्मा बाबा का ये काम है कि अपने बच्चों को स्पोर्ट्स के तरफ ढकलना, कौन सा भी स्पोर्ट्स रहना। आप देख रहे थे HBN न्यूज़। हमारे चैनल को फेसबुक पर लाइक और शेयर ज़रूर करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें।